हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आप सब अच्छे हो? यह है रोहू फिश जो है, जो 1 किलो से ऊपर है, 2 मिला के। इस मछली की हम बनाएंगे आज चटनी। तो पहले हम रोहू के पंख काट लेंगे अच्छे से। उसके बाद हमें ब्रश से उसके छिलके निकाल लेना है रहू के, बराबर से निकाल लेना है छिलके। छिलके रहना नहीं चाहिए, अच्छे से निकाल लेना है जैसे मैं निकाल रहा हूँ। उसके बाद हमें मुंडी काट लेना है। मुंडी काटने के बाद हमें मछली को फाड़ लेना है। उसके बाद हमें क्लीन कर लेना है मछली को। फिर बाद में जो मछली के अंदर जो बड़ा वाला कांटा आता है मेन, वो कांटा निकाल लेना है। और उसके बाद में ये छोटे कांटे निकालना है, उसके अंदर के रहू के जो पेट के साइड में आते हैं। और कुछ कांटे इस तरह से भी निकाल सकते हो जैसे मैं निकाल रहा हूँ, एकदम एक भी कांटा नहीं है अभी इसके अंदर। और उसके बाद आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन भी दबा देना है कि मैं जब भी नया वीडियो डालूं उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। उसके बाद हमें काट लेना है इसे। काटने के बाद इसे पानी से धो लेना है। कम से कम 2 से 3 पानी से धोना है आपको। अभी हम रखेंगे चूल्हे पे कढ़ाई, उसमें तेल डाल लेना है। मछली को फ्राई होने देना है उसी तेल में। और थोड़ा सा नमक डालना है हमें मछली के अंदर। नमक के बाद हल्दी डालना है। और हल्दी डाल के थोड़ा चम्मच से हिला लेना है। और उसके बाद पूरा फ्राई होने के बाद पीस को छोटा छोटा कर लेना है जैसा मैं कर रहा हूँ, चम्मच से भुर्जी के जैसा कर लेना है। जिस तरह अंडा का भुर्जी रहता है वैसे कर लेना है। ये हो गया एकदम रेडी बनके, खाली छोटा करना है। काटा ज़्यादा नहीं है क्योंकि काटा निकाल लिया हूँ, तो थोड़ा थोड़ा काटा हो सकता है, बाकी ज़्यादा नहीं है। और होगा भी तो एकदम छोटा काटा होगा जो हम बाद में निकाल लेंगे इसे। ये मिर्ची है, मिर्ची, अदरक और लहसुन, इसको हमें खलबत्ते में कूट लेना है। कूटने के बाद उसे हमें इसी चटनी में डालना है। चटनी में डालने के बाद हमें इस मछली के अंदर मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद सिर्फ 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होने देना है, और उसके बाद इसे उतार लेना है ताकि इसका टेस्ट बना रहे। फिर इसे प्लेट में लेना है जैसे मैं ले रहा हूँ, एक प्लेट में निकाल लेना है। ये थंबनेल के लिए है। उसके बाद प्लेट में ले लेना है इसे। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, दोनों के साथ खा सकते हो।
और टेस्ट तो क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा टेस्ट था।